अलखिदमत फाउंडेशन जो काम कर रही है वो कमेंडेबल है। मैं स्पेशली यहाँ पे इनसे मुलाकात करने यहाँ पे आया हूँ। अप्रिशिएट तो हम क्या करेंगे, ये हमें अप्रिशिएट करेंगे अगर हम सब मिलके इनका साथ देंगे। और मैं इनका शुक्रिया अदा करने यहाँ पे आया हूँ कि इन्होंने इतना काम किया। अगर आप लोग गौर करें कि कौन सी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो बहुत ज़्यादा बढ़ चढ़ के, वैसे तो तमाम ऑर्गेनाइजेशंस का मैं ज़रूर शुक्रिया अदा करूँगा जो काम कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे आने का मकसद ये कि स्पेशली मैं इनका शुक्रिया अदा करने आया हूँ कि ये पाकिस्तानी कौम के लिए इतना काम कर रहे हैं। और हम सब चूँकि पाकिस्तानी हैं और सिटीजन्स हैं इस मुल्क के, और जब हमारे अपने बहन भाई परेशानी में होते तो ज़ाहिर है बर्दाश्त से बाहर होता, और फिर हम सोचते हैं कि हम कैसे जाके मदद करें। तो आई थिंक इस इदारे पे आज मेरा विज़िट हुआ और मैं हमारे भाई से मुलाकात हुई और इनका पूरा सेटअप जो देखा, तो आई एम सो सुपर इम्प्रेस्ड। आई मस्ट रिक्वेस्ट ऑल ऑफ़ यू के जितना आप कर सकते हैं, जितना मैक्सिमम हो सकता है, इस ऑर्गेनाइजेशन को सपोर्ट करें, इनके लिए काम करें, क्योंकि ये वो लोग हैं जो सबसे पहले वहाँ पहुँच कर मैदान में, जिसको कहते हैं मैदान में पहुँच कर ये लोग काम कर रहे हैं और हम लोग देख भी रहे हैं। तो मैं चाहूँगा मैं माइक नहीं भाई को भी, तो प्लीज़ नहीं भाई कुछ आप भी अगर कहना चाहेंगे तो। बहुत शुक्रिया एहसन, आज हमारे एहसन भाई का फ़ोन आया और उन्होंने कहा कि यार मुझे आपसे मिलना है, और ज़ाहिर इनकी जो भी कंट्रीब्यूशन थी वो भी इन्होंने की है। तो मैंने कहा आ जाएँ वहीं पर हमारे रिलीफ सेंटर में, तो ये जमात इस्लामी का ऑफिस है दारा नूर हक, अल खिदमत का पूरा सेटअप यहाँ पर मौजूद है। तो इस वक्त हमारे सिंध के, बलूचिस्तान के, जनूबी पंजाब के पी के हर जगह पर जो है वो जो बारिश ज़्यादा सैलाब ज़्यादा लोग हैं वो इस बात के मुंतजर हैं कि कोई उनकी मदद करे। और मैं सर ये ऐड करना चाहूँगा कि सिर्फ नॉट ओनली इन कराची और सिंध, दिस ऑर्गेनाइजेशन इज वर्किंग एवरीवेयर इन पाकिस्तान, वी कैन सी दैट माशाल्लाह। हैरान हुआ आई मस्ट से कि ये हमारे मीडिया को इसको बहुत आगे लेके जाना चाहिए कि जब कोई किसी भी पार्टी की फेवर या उससे होने या ना होने से हटकर यहाँ पे इंसानियत की बात हो रही है, तो हम सब पाकिस्तानी एक दूसरे की यहाँ पे मदद करने के लिए, तो इंशाल्लाह हम मिलकर काम करेंगे। अल्लाह ने चाहा। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।